नीट पेपर लीक मामले पर पूरे देश की नजर है। सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी पर सुनवाई भी चल रही है। परीक्षा में कथित पेपर लीक और गड़बड़ी से संशोधित मामलों में सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने कहा कि मामले में जल्दबाजी है, लाखों छात्र इस नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। सीजीआई ने कहा कि आप हमें संतुष्ट करिए कि नीट पेपर लीक बड़े पैमाने पर हुआ है और दोबारा इसकी परीक्षा क्यों होनी चाहिए, इसका ठोस कारण भी हमारे सामने बताया जाना चाहिए। नीट यूजी पेपर लीक और कदाचार की जांच चल रही है, सीबीआई से रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। इधर 18 जुलाई को नीट यूजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और वहां सीबीआई ने अब तक 15 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने फिलहाल ही एम्स के 4 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया। सीबीआई ने कथित नीट यूजी पेपर लीक और कदाचार की चल रही जांच के संबंध में दूसरी रिपोर्ट दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच चल रही है, यदि सीबीआई ने जो बताया है वह सामने आता है तो इससे जांच प्रभावित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अभ्यर्थियों के वकीलों से कहा कि वह यह दर्शाएं कि पेपर लीक बहुत ही गलत है और इसने पूरी परीक्षा को प्रभावित किया, जिसकी वजह से पूरी परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाओं में NTA की याचिका भी शामिल है, जिसमें उसने विभिन्न हाईकोर्ट में उसके खिलाफ लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया। यह परीक्षा 5 मई को ली गई थी। आपको यह भी बता दें कि अगर 23 लाख लोगों के लिए डाटा एनालिटिक्स करना है तो किस स्टेज पर किया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। 5 मई को 23.33 लाख छात्र से अधिक छात्रों ने 571 शहरों के 4,750 केंद्रों पर नीट यूजी परीक्षा दी थी। इसके बाद पेपर लीक की खबरों ने सुर्खियां बटोरी, मामले ने तूल पकड़ा, जिसके बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 11 जुलाई को नीट यूजी 2024 से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की थी, उसके बाद 18 जुलाई तक टाल दिया गया था। याचिकाओं में नीट यूजी 2024 के आयोजन में कथित अनियमितताओं एवं कदाचार की जांच करने के अलावा परीक्षा रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। आपको यह भी बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में पटना एम्स के 3 डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया है। सीबीआई संजीव मुखिया की अब भी तलाश कर रही है। इसे मिलाकर अब तक सीबीआई 15 आरोपितों को रिमांड पर ले चुकी है और लगातार पूछताछ भी कर रही है। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।